हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट सेशन फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। माय सेल्फ मनीष मानकर। आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट क्रॉप कॉर्प्स। क्रॉप कॉर्प्स इज हेल्प फॉर योर वेरियस एग्जामिनेशन। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब अवर क्रॉप कॉर्प्स एग्री एजुटेक। आई एम मनीष मानकर। आई डिड एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड करंटली वर्किंग विथ क्रॉप कॉर्प्स एग्री एजुटेक। These are our expertise। Actually, ये जो एग्री एम पी एस सी मेन्स की सीरीज मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ये किस लिए? क्योंकि आपको एग्री एम पी एस सी मेन्स में 40 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के लिए आते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। और उसमें आपके ये 5 यूनिट्स है जो मैं कवर करने वाला हूँ। उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिमांडेबल जो आपका पहला यूनिट है फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि इससे 55 क्वेश्चन आपके 10 सालों में पूछे गए हैं महाराष्ट्र आयोग की तरफ से। ठीक है, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसी इंजन, जो कि बहुत ही डिमांडेबल है। ये टॉपिक आपका 20 मिनट में खत्म हो जाएगा और आपको 7 to 8 क्वेश्चन आपको देके जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय आईसी इंजन। आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन। उससे पहले अपन हीट इंजन क्या होता है देखेंगे। हीट इंजन ऐसा मशीन है जो फ्यूल को बर्न करके हीट को कन्वर्ट करता है यूजफुल वर्क में। यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, उसके 2 टाइप है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन। एक मिनट में अपन ये देख लेंगे डायग्राम से। आपको ये इंजन का डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंबशन चैम्बर में कोल जलाया जाता है। कोल जलाने के बाद यहाँ पे वाटर टैंक दिख रहा होगा आपको। वाटर टैंक में जो वाटर है वो बॉयल होता है। वो बॉयल वाटर की वेपर और स्टीम होती है, और स्टीम सिलेंडर में जाके पिस्टन को डाउनवर्ड की तरफ ढकेलता है। और इस कनेक्टिंग रॉड का रेसिप्रोकेटिंग मोशन से ये सर्कुलर मोशन में कन्वर्जन होता है और आपकी व्हील घूमने लगता है। ठीक है, यही आपको यहाँ पे निचले वाले डायग्राम दिया है। क्या क्या होता है यहाँ पे, इन कंबशन चेम्बर कोल्स बर्न, आफ्टर दैट द वाटर आर बॉइल्ड, द बॉइल्ड वाटर कन्वर्टेड इन टू द स्टीम, स्टीम गोज इन टू द सेकेंड सिलेंडर। ओके, इन सेकेंड सिलेंडर ये स्टीम ढकेलता है आपका पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपका यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन से सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट होता है। और इसमें सेकेंड सिलेंडर, इसमें क्या होता है, इसमें जो कंबशन होता है ये इनसाइड द सिलेंडर होता है, और इनसाइड द सिलेंडर कंबशन होने की वजह से पिस्टन को ढकेलता है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है दोनों में का। देखो, एक्सटर्नल कंबशन यानी सिलेंडर के बाहर कंबशन होता है, इंटरनल कंबशन यानी सिलेंडर के इनसाइड अंदर कंबशन होता है। ठीक है, उसके और 2 टाइप है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन, कांस्टेंट प्रेशर कंबशन। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन में स्पार्क प्लग इग्निशन यूज करते हैं फॉर कंबशन पर्पस, एंड कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, सिर्फ एयर को कॉम्प्रेस करके इग्निशन करते हैं। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम में रैपिड बर्निंग होती है, कांस्टेंट प्रेशर में स्लो बर्निंग होती है। अभी देखते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, देर इज 2 हॉल, नंबर 1 हॉल फॉर इनलेट, नंबर 2 हॉल फॉर आउटलेट। ओके, हियर इज द सिलेंडर। ओके, दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर का सबसे ऊंचा भाग उसको बोलते हैं TDC, सबसे बॉटम वाला भाग उसको बोलते हैं BDC। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है पिस्टन्स, पिस्टन कनेक्टेड विथ कनेक्टिंग रॉड, एंड कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड विथ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील इज कनेक्टेड टू क्रैंकशाफ्ट। ओके, सो देर इज 4 स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक एंड 4th स्ट्रोक। ओके, सो वॉट इज मीन बाय स्ट्रोक, वेन द पिस्टन डिस्प्लेस फ्रॉम TDC टू BDC देन देर इज 1 स्ट्रोक, वेन द पिस्टन डिस्प्लेस फ्रॉम BDC टू TDC देन देर इज 2nd स्ट्रोक। दीज आर द इवेंट्स एंड दीज इवेंट्स आर रिपीटेड सिक्वेंटली। ओके, सो इन फर्स्ट स्ट्रोक एयर फ्यूल मिक्सचर्स आर कम्स फ्रॉम इनलेट वॉल, देन दिस फ्यूल मिक्सचर सक्स बाय पिस्टन टू द BDC। ओके, यहाँ से BDC पे ये सक करेगा, सो इसकी वजह से इसको बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक और सक्शन स्ट्रोक। ओके, आफ्टर दैट दिस एयर फ्यूल मिक्सचर्स आर कॉम्प्रेस बाय पिस्टन एट कहाँ पे, TDC पे, ये ऊपर जाएगा पिस्टन, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, क्योंकि ये कॉम्प्रेस करता है। थर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, देयर इज एक्सप्लोजन ऑकर्स
इनसाइड द सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग. स्पार्क प्लग क्या होगा, इसको जलाएगा. देयर इज सम एक्सप्लोजन, दैट्स व्हाई द पिस्टन्स मूव्स टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन फोर स्ट्रोक. बट पावर स्ट्रोक में एक्सप्लोजन होगा, सिलेंडर आपका नीचे आएगा, इसको इसलिए इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक. ठीक है, इन फोर स्ट्रोक द बर्न गैसेस आर रिमूव्ड थ्रू आउटलेट वॉल, देन द पिस्टन्स goes to the upward direction and burn gases are removed from the outlet valve. That is called as exhaust valve. यहाँ पे एक important चीज मैं बताना चाहूँगा, the removal of burn gases from outlet valves are called as scavenging. Are called as scavenging, जो कि आपको RRB scale 2 के exam में पूछा गया था. यहाँ पे आपको thermodynamic cycle दी गई हुए. So what is meant by thermodynamic cycle? मैंने अभी आपको four stroke engine बताया, उसमें चार स्ट्रोक होते हैं. कौन कौन से? सक्शन, कॉम्प्रेशन, प्रेशर और एग्जॉस्ट. इसको इवेंट, इसका इवेंट जो होता है, चारों इवेंट ये सीक्वेंस में होता है और रिपीटेडली होता है. दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक साइकिल. इसी को थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं. इसके दो टाइप हैं, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल. यहाँ पे ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे देखो आपको एमएन लाइन दी गई हुई. दिस लाइन रिप्रेजेंट द एटमोस्फियरिक प्रेशर एंड बिलो दिस लाइन लाइन ए बी इज प्रेजेंट. दिस लाइन इज इनसाइड द प्रेशर ऑफ सिलेंडर, दैट इज सक्शन प्रेशर. ओके, सो एटमोस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन इनसाइड प्रेशर, दैट्स वाई द ए बी लाइन इज स्मॉलर देन द एम एल लाइन. ओके, सो पहले स्ट्रोक में क्या होता है? सक होता है नीचे की तरफ. इन सेकेंड स्ट्रोक पॉइंट बी टू सी देर इज अ कॉम्प्रेशन ऑफर्स, बट एट पॉइंट सी द स्पार्क प्लग इग्नाइट द फ्यूअल एयर फ्यूल मिक्सचर. That's why point C to D is straight for ignition. But in graphical representation, there is a straight line, then there is some constant. So what is the constant? It is taken at constant volume. There is constant volume because V1 to V2, volume change. But V2 to point C to D, the volume is constant. Okay. In third stroke, point D to C, power stroke, piston moves down. Okay. Again, point E to F, there is some straight line. I already told you, straight line represent the constant. Which constant? Rejected or exhaust at another constant volume. It is rejected or exhaust at another constant volume. Okay, ये हो गया आपका पूरा ऑटो साइकिल. यहाँ पे इक्वेशन दिया है. इक्वेशन है थर्मल इफिशियंसी का. T represent for thermal efficiency and the sign is neta. Neta is equal to 1 minus 1 divided by R. रेस्टू दी पावर एम माइनस वन. यहाँ पे आर क्या है आपका? आर इज इक्वल टू कॉम्प्रेशन रेशियो. इसका इक्वेशन है वी वन डिवाइड बाई वी टू. ओके, वेन द कॉम्प्रेशन रेशियो इंक्रीजेस देन योर इफिशियंसी विल बी इंक्रीजिंग. ओके, सो इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन कॉम्प्रेशन रेशियो. ओके, एम दर्शाता है आपका एयर कॉन्स्टेंट रेशियो, जो कि सी पी डिवाइड बाई सी वी से डिनोट किया जाता है. CP is a specific heat at constant pressure, CV is a specific heat at constant volume. So, इसका value पूछा जाता है आपको exam में, banking exam, agri MPSC exam. 1.4 is the constant for air constant. Okay? Next है diesel cycle. Same है diesel cycle में, यमन बताया मैंने आपको, atmospheric pressure line, AB, inside suction pressure line. B to C, यहाँ पे आपका V1 to V2, direct volume यहाँ पे change हो रहा है, ठीक है? In diesel cycle, volume will be changed, but C to D again straight line. There is a constant pressure. Okay, so यहाँ पे बोला गया है heat is taken at one constant pressure, but point D to C there is power stroke, then pistons moves down. After that E to F there is some straight line. Straight line represent again constant. So heat is rejected at again constant volume. Okay, ये हुआ आपका diesel cycle. Same equation. थर्मल एफिशिएंसी का दिया गया हुआ है. नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय आर टू द पावर एम माइनस 1. यहाँ पे रो टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम इनटू रो माइनस 1. यहाँ पे नई चीज दी गई हुई है और ऑलरेडी मैंने बताया था, एम बताया था, रो. सो व्हाट इज मीन बाय रो? रो इज द कट ऑफ रेशियो. रो इज द कट ऑफ रेशियो और कट ऑफ रेशियो पे ही आपका डीजल का डिपेंड है, लेकिन पेट्रोल का थर्मल एफिशिएंसी इस पे डिपेंड है, कॉम्प्रेशन रेशियो पे. ठीक है, सो कट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय पीडी. प्रेशर एट कॉन्स्टेंट सी, प्रेशर एट कॉन्स्टेंट डी. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए आपको, जो कि
एग्री एमपीसी के मेंस 2017 में पूछे गए थे। क्या वो क्या है? पहला क्वेश्चन, टू इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन, ध्यान से देखिए, पेट्रोल इंजन द डिजाइनर हैज टू, अगर आपको पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी बढ़ानी है तो डिजाइनर को क्या करना पड़ेगा। सो यहाँ पे डीजल का कोई मतलब नहीं, सो कट ऑफ रेशियो इलिमिनेट होता है क्योंकि वो डीजल में होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको नीटा इज इक्वल टू 1-1 डिवाइडेड बाय आर, ओके, टू डी पावर क्या बोला था, यम माइनस वन, सो आर इज द कॉम्प्रेशन रेशियो, जब कॉम्प्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तभी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी। सो यहाँ पे ऑप्शन वन दिया है इंक्रीज कॉम्प्रेशन रेशियो, ऑप्शन डी है डिक्रीज, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका आंसर आएगा ओनली ए, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीजल साइकिल द हीट इज टेकन एट कॉन्स्टेंट, अभी बताया मैंने डीजल साइकिल में क्या होता है, हीट इज टेकन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सो आंसर आएगा वन कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये भी क्वेश्चन एग्री एमपीसी के मेंस में 2016 में पूछा गया था। देन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजिन, यहाँ पे आईसी इंजिन का वर्किंग प्रिंसिपल जो कि मैंने फोर स्ट्रोक का ऑलरेडी आपको पिछले स्लाइड में बताया, फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक, ये दो स्ट्रोक मैकेनिकल साइकिल के दो टाइप है, तो यहाँ पे अपन टू स्ट्रोक का देखेंगे। ठीक है, टू स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम इनलेट पोर्ट है, ओके, ट्रांसपोर्ट पोर्ट है और एग्जॉस्ट पोर्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है टू स्ट्रोक में, जैसे फोर स्ट्रोक में फोर स्ट्रोक होते हैं लेकिन टू स्ट्रोक में टू ही स्ट्रोक होते हैं, फिर भी दो स्ट्रोक होने के बावजूद यहाँ पे जो चारों स्ट्रोक होते हैं दो स्ट्रोक में गौर होते हैं, यानी इसमें क्या होता है, पहले सिलेंडर सक किया जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर उसको मूव डाउन किया जाता है, यानी पहले स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन होता है प्लस कॉम्प्रेशन होता है, और लास्ट वाले स्ट्रोक में क्या होता है, पावर होता है और एग्जॉस्ट होता है। ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे सीरीज का एग्जाम्पल लेते हो, यहाँ से आपका फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया, फिर ये नीचे से फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी सिलेंडर अप की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तब ये फ्यूल अंदर सक किया जाएगा। ठीक है, इस चैम्बर में ये सक किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूल मौजूद था, ये कब मौजूद था, क्यों मौजूद था, ये भी बताऊंगा। तो इसको स्पार्क प्लग की वजह से, स्पार्क प्लग की हेल्प से स्पार्क किया जाएगा और यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, कॉम्प्रेस होने के बाद, फिर कॉम्प्रेस होने के बाद एक्सप्लोजन होगा, फिर ये जाएगा बाहर, जो बर्न गैसेस ये आउटवर्ड आउटलेट से बाहर जाएगी और पिस्टन फिर से नीचे आएगा। जब पिस्टन फिर से नीचे आएगा तब यहाँ पे जो फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर है ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट के थ्रू यहाँ पे जमेगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये होगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, जो मैंने अभी समझाया आपको सेम वही स्लाइड पे दिया है, वर्किंग प्रिंसिपल दिया है, चारों स्ट्रोक सक्शन कॉम्प्रेशन पावर एग्जॉस्ट, और टू स्ट्रोक में क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रोक में दोनों सक्शन प्लस कॉम्प्रेशन, सेकंड है पावर प्लस एग्जॉस्ट। क्वेश्चन दिया है आपको जो कि एग्रीएमपीसी मेंस में पूछा गया था 2016 में, इन टू स्ट्रोक इंजन टॉप डेड सेंटर इज द पोजिशन वेयर पिस्टन इज एट, सिंपल है, मैंने बताया आपको सिलेंडर है ये आपका, ये पिस्टन है। ठीक है, तो ये है आपका टीडीसी, ये है आपका बीडीसी, जब ये पिस्टन टॉप डेड पे रहेगा तब टीडीसी बोलोगे, पिस्टन बॉटम डेड पे रहेगा तब इसको बीडीसी बोलोगे। तो यही पूछा, जब पिस्टन टीडीसी पे रहेगा तो जब टीडीसी होना चाहिए तो कहां पे रहेगा पिस्टन, तब रहेगा टॉप ऑफ इट्स स्ट्रोक, ओके। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन बिटवीन फोर स्ट्रोक एंड टू स्ट्रोक, अभी फोर स्ट्रोक एंड टू स्ट्रोक तो अपन ने देखा है। ठीक है, क्या होता है, फोर स्ट्रोक में सबसे पहले सक्शन होगा, उसके बाद में कॉम्प्रेस होगा, थर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, ये डाउनवर्ड जाएगा पावर, एंड फोर्थ में क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा एग्जॉस्ट। ठीक है, अभी क्या होता है, जब ये सक्शन करता है तब क्रैंकशाफ्ट का हाफ रोटेशन होता है, जब ये कॉम्प्रेस करता है फिर क्रैंकशाफ्ट का हाफ रोटेशन होता है, जब ये नीचे आके पावर स्ट्रोक करता है तब क्रैंकशाफ्ट फिर हाफ रोटेशन करता है, जब इसका एग्जॉस्ट होता है फिर क्रैंकशाफ्ट आपका हाफ रोटेशन करता है। दैट इज ये पूरी साइकिल के दौरान, ये पूरी साइकिल को बोलते हैं वन पावर स्ट्रोक, इन वन पावर स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्व्स इन टू रिवॉल्यूशन, ओके, यही आपको बोला है, वन साइकिल कंप्लीटेड एवरी टू रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, जब आपके टू रिवॉल्यूशन क्रैंकशाफ्ट होगी तब आपकी पावर की वन साइकिल कंप्लीट होगी। टू स्ट्रोक में क्या है, टू स्ट्रोक में दो ही स्ट्रोक है, ये पहले ऊपर जाएगा इसमें सक्शन और कॉम्प्रेशन होगा, फिर नीचे आएगा इसमें पावर एंड एग्जॉस्ट होगा, जब ये ऊपर जाएगा यानी दो स्ट्रोक में आपका यहाँ पे होगा हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, और फिर दूसरे सेकंड स्ट्रोक में होगा हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, यानी वन साइकिल कंप्लीट इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ओके, यही आपका मेन डिफरेंस है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, फोर स्ट्रोक में मूविंग पार्ट्स रहते हैं,
ज्यादा, टू स्ट्रोक में लेस मूविंग पार्ट, मोर मेंटेनेंस इन फोर स्ट्रोक, लेस मेंटेनेंस टू स्ट्रोक, हेवी वेट रहता है फोर स्ट्रोक, लेस वेट रहता है टू स्ट्रोक, मोर एक्सपेंसिव लेस एक्सपेंसिव। फोर स्ट्रोक में क्या रहता है, हॉल रहते हैं, कितने हॉल रहते हैं, टू हॉल, इनलेट आउटलेट। टू स्ट्रोक में थ्री पोर्ट रहते हैं, मेन डिफरेंस, वॉल इज देयर इन फोर स्ट्रोक एंड पोर्ट प्रेजेंट इन टू स्ट्रोक, बट हाउ मेनी पोर्ट्स, थ्री पोर्ट्स, इनलेट आउटलेट एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोड्यूस मोर पोल्यूशन फोर स्ट्रोक, लेस पोल्यूशन इन टू स्ट्रोक। लॉन्ग इंजिन लाइफ है, शॉर्ट इंजिन लाइफ है टू स्ट्रोक की। डिजाइन कॉम्प्लेक्स है फोर स्ट्रोक का, डिजाइन सिंपल है टू स्ट्रोक का। मोस्ट कॉस्ट रहेगा आपका, लेस कॉस्ट रहेगा टू स्ट्रोक का। मोर आउटपुट मिलेगा आपको फोर स्ट्रोक में, इसमें लेस आउटपुट मिलेगा। सेम आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग पढ़ लो, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन है आपका है पेट्रोल इंजिन और डीजल इंजिन। अभी मेन इसका अपन ने क्या देखा, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक देख लिया है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, मेन डिफरेंस है वॉल्व और पोर्ट का रहता है, ठीक है। और फोर स्ट्रोक में चारों पोर्ट में कंप्लीट होती है वन साइकिल, टू स्ट्रोक में टू स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, ठीक है। लेकिन पेट्रोल और डीजल इंजन में मेन डिफरेंस क्या है, पेट्रोल में क्या करते हैं, फ्यूल यूज एज पेट्रोल, डीजल में फ्यूल यूज एज डीजल, ओके। पेट्रोल इंजिन रन ऑन ऑटो साइकिल, ओके, डीजल इंजिन रन ऑन डीजल साइकिल, ठीक है। बी इसका वर्किंग बता दो आपको, यहाँ पे दो हॉल रहते हैं और यहाँ पे इनलेट आउटलेट हॉल रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर सक किया जाता है, उसको बाद में कॉम्प्रेस किया जाता है, पावर स्ट्रोक नीचे आता है और एग्जॉस्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहता है, स्पार्क प्लग, ये मेन डिफरेंस है आपका। इसको जलाता कौन है, स्पार्क प्लग, इसको स्पार्क करता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कार्बोरेटर भी होता है। कार्बोरेटर का काम क्या है, ये आपकी फ्यूल टैंक है और ये आपका सिलेंडर है। फ्यूल टैंक से आपको यहाँ से इनलेट से सिलेंडर के अंदर फ्यूल ट्रांसपोर्ट करना है, इसके लिए यहाँ पे कार्बोरेटर रहता है। कार्बोरेटर का काम क्या है, फ्यूल को लेके एयर के साथ मिक्स करना, दैट इज द वर्क ऑफ कार्बोरेटर, ठीक है। देन अभी देखेंगे डीजल इंजन, इसमें क्या होता है, यहाँ पे इनलेट वॉल है आपका और यहाँ पे आउटलेट वॉल है, ठीक है। अभी क्या करेगा, इनलेट वॉल से ओनली एयर सक करेगा, ओनली एयर, बट पेट्रोल इंजन में क्या होता था, एयर प्लस फ्यूल सक करता था, यहाँ पे ओनली एयर सक करेगा, ठीक है। एयर को सक किया, नेक्स्ट स्ट्रोक में कॉम्प्रेस करेगा एयर को, इतना कॉम्प्रेस करेगा कि यहाँ पे स्पार्क प्लग की आपको जरूरत ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे एयर को इतना कॉम्प्रेस करेगा कि एयर बहुत ही गर्म होगी। गर्म होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं है आपका, यहाँ पे FIP है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या करेगा, फ्यूल को इंजेक्ट करेगा कहाँ पे, सिलेंडर के अंदर, ऑन हॉट एयर, और यही हॉट एयर इस फ्यूल को बर्न करेगी, कंबस करेगी, यहाँ पे कंबशन होगा, एक्सप्लोजन होगा, उसकी वजह से पिस्टन डाउनवर्ड के डायरेक्शन की यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर बर्न गैसेस आर एग्जॉस्ट फ्रॉम दी आउटलेट पोर्ट, हो गया आपका, सेम वर्किंग प्रिंसिपल है पेट्रोल और डीजल का। सिर्फ मेन डिफरेंस क्या है, इन पेट्रोल इंजिन देयर इज स्पार्क प्लग, इन डीजल इंजिन देयर इज फ्यूल इंजेक्शन पंप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, MPSC के मेंस में आया था, फ्यूल इंजेक्शन पंप इज इसेंशियल इन, फ्यूल इंजेक्शन पंप में किसकी ज्यादा जरूरत है, किसकी है, फ्यूल इंजेक्शन पंप किस में रहता है ज्यादा, डीजल इंजिन में। यही क्वेश्चन आपको घुमा के ऐसा पूछा जाता कि पेट्रोल इंजिन में या स्पार्क प्लग किस में यूज किया जाता है, तो आपका आंसर पेट्रोल इंजिन आता। फिलहाल आपका आंसर क्या है, डीजल इंजिन। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजिन। एक्चुअली आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू, साइकिल इन डीजल इंजिन, डीजल साइकिल इन पेट्रोल इंजिन, ऑटो साइकिल, इग्निशन इन डीजल इंजिन, हीट ऑफ कॉम्प्रेशन से इग्नाइट होता है, इन पेट्रोल इंजिन बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क से इग्नाइट होता है, फ्यूल इन डीजल इंजिन, डीजल इज यूज इन पेट्रोल इंजिन, पेट्रोल और केरोसिन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, पेट्रोल के साथ केरोसिन यूज करते हैं पेट्रोल इंजन में, ठीक है। चार्ज, ओनली एयर इज कॉम्प्रेस, जब इसको चार्ज किया जाता है तो तब डीजल में ओनली एयर कॉम्प्रेस की जाती है और पेट्रोल में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, ये मेन डिफरेंस है आपका, ठीक है। उसके बाद में फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द कंबशन चैम्बर थ्रू इंजेक्शन पंप FIP, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें पेट्रोल इंजन में एयर प्लस फ्यूल इज प्रिपेयर्ड एट कार्बोरेटर, मैंने बताया था, जब फ्यूल टैंक से ये फ्यूल लेगा लेकिन मिक्स कहाँ पे करेगा, कार्बोरेटर में, ठीक है। अभी ये 100% आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि फिलहाल रिसेंटली पूछा गया था MCR में, ठीक है। थर्मल इफिशियंसी कितना है डीजल इंजन का, 32-38%, पेट्रोल इंजन का 25-32%। कॉम्प्रेशन रेशियो 4:1:1-22:1, डीजल इंजन का 5:1:8:1। अभी देखो कॉम्प्रेशन तो होता क्या है, 14 यूनिट को ये कॉम्प्रेस करता है वन में, सेम
22 यूनिट को कंप्रेस करता है 1 में, तो यही कंप्रेशन रेशियो आपका इंपॉर्टेंट है बहुत। फ्यूल कंजम्पशन कितना होता है डीजल में 162-200 ग्राम पर एचपी, पेट्रोल में कितना होता है 200-280 ग्राम पर एचपी। कंप्रेशन प्रेशर डीजल का ज्यादा रहता है, पेट्रोल का कम रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि डीजल इंजन में ओनली एयर को कंप्रेस किया जाता है और हॉट एयर से ही आपका इग्निशन होता है कंप्रेशन की वजह से, लेकिन पेट्रोल में क्या रहता है स्पार्क प्लग प्रेजेंट रहता है, इसी के लिए यहाँ पे प्रेशर कम है। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एयर की वजह से ही ये कंबशन करेगा, तो 500 डिग्री सेल्सियस इन पेट्रोल इंजन, 260 डिग्री सेल्सियस। वेट ऑफ इंजन इज हाई इन डीजल इंजन, कंपैरेटिवली लो फॉर पेट्रोल इंजन। ऑपरेटिंग कॉस्ट लो इन डीजल इंजन, इन पेट्रोल इंजन कंपैरेटिवली हाई रहता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। सो इन कार्बोरेटर टाइप पेट्रोल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होता है पेट्रोल इंजन में, इलेक्ट्रिक स्पार्क से इग्नाइट किया जाता है, ठीक है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन, देखो रिसेंटली पूछा गया था एमसीआर की पीजीसीटी 2020, अभी बताया मैंने कितना है 25-32, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन अभी बताया था 32-38, ये भी पूछा गया था एमसीआर पीजीसीटी में। सो आपके यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, जो कि एग्री एमपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन आपके यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद में सेकंड सेशन में अपन देखेंगे कंपोनेंट एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आईसी इंजन, ठीक है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, आपके फ्रेंड के पास इसकी लिंक भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच।